तो यार 2 दिन में वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज 2 दिन से तबीयत खराब है। बट गाइज इन 2 दिनों के अंदर मैंने थोड़ी सी मेहनत करके आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है। तो पैसे गाइज टॉप 20 मिथ्स इन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D, और भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारी मिथ्स है। हमारी जो पहली मिथ है, अगर आप एयरपोर्ट वाले प्लेन को ब्लास्ट करके थोड़ी सी दूर से वापस आओगे तो आपका प्लेन ठीक हो जाएगा। अरे भाई, तो मिथ के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस प्लेन को ब्लास्ट कर देते हैं। एक शॉट मार दिया, दो शॉट मार दिया, भाई ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहा? अब हो गया, चलो अब जल्दी से दूर जाकर आते हैं और देखते हैं हमारा जो प्लेन है वापस से रिस्पॉन होता है या फिर नहीं। तो आई थिंक ये वाली जो रोड है ना भाई, ये काफी लंबी रोड है, तो यहाँ तक जाके वापस आएंगे तो आई थिंक प्लेन रिस्पॉन हो जाना चाहिए। और फाइनली रोड के एकदम एंड में जाली तक आ चुका हूँ, अब जल्दी से वापस चलते हैं और देखते हैं प्लेन रिस्पॉन हुआ या फिर नहीं। और हम काफी नजदीक आ चुके हैं। अरे हाँ, ये प्लेन तो सच में रिस्पॉन हो गया भाई, ब्लास्ट करने के बाद वापस आ गया, ज्यादा दूर भी नहीं गया था मैं तो इस हिसाब से गाइस ये वाली मिथ हो जाती है कंफर्म। ओके, अपना नेक्स्ट मिथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रेन को उड़ाने के बाद जो ट्रेन के ऊपर कोड लिखा रहता है उसकी मदद से ट्रेन को दोबारा से रिस्पॉन कर सकते हैं। तो यार काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं। तो इसके लिए गाइज आ चुके हम रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर मैंने काफी सारे स्टिकी बॉम्ब भी लगा दिए बिकॉज गाइज ये वाली ट्रेन को हमें उड़ाना भी तो है। तो आई थिंक इतने स्टिकी बॉम्ब काफी है, अब जल्दी से ब्लास्ट करते हैं। और अपनी ट्रेन जो है पटरी से तो उतर चुकी है बट ऊपर जा रही है यार, अगर ये ऊपर नहीं जाती है तो फिर से ट्राई करना पड़ता है यहाँ पर। अब एक चीज आप नोटिस करो, ट्रेन के ऊपर कुछ कोड लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, जो कि है 22530। तो यही वाला कोड हम ट्रेन को उड़ाने के बाद ट्राई करेंगे, बट ट्रेन उड़ने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। ओके, अपना काम हो गया बिकॉज ये जमीन के अंदर जा चुकी है तो ये 100% हवा में उड़ेगी, और ये अपना काम हो चुका है। अब जल्दी से रेलवे स्टेशन पे चलते हैं और इस कोड को ट्राई करके देखते हैं। तो मोबाइल मैंने निकाल लिया, जल्दी से डायल करते हैं 22530 और ट्रेन हमारी वापस आएगी या फिर नहीं। भाई साहब सारी मेहनत बर्बाद करा दी यार, तो ये वाली मिथ बस्टेड है यार। ओके, अपना नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम ZX10R को ब्लास्ट करते हैं तो उसका आगे वाला जो पार्ट है वैसा ही रहता है। तो ZX10R का जो कोड है वो है 400। तो चलो ZX आ चुकी है, अब जल्दी से इसको ब्लास्ट करते हैं और देखते हैं भाई आगे वाला पार्ट। अरे हाँ, इसके आगे वाला पार्ट तो बिल्कुल वैसा ही है, जो इसका मरघाट होता है बिल्कुल वैसा ही है, तो ये वाली मिथ कंफर्म्ड हो जाती है। ओके, अपना नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम वेपन सेक्शन को क्लिक करें उसके बाद कैमरा दबाएं, उसके बाद फिर से वेपन सेक्शन बटन और फिर से कैमरा दबाएं तो हमारी जो स्क्रीन है वो ब्लर हो जाएगी। काफी इंटरेस्टिंग है, जल्दी ट्राई करते हैं। तो मिथ के अकॉर्डिंग पहले गन सेक्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद कैमरा वाले बटन पे क्लिक करना है, तो FPP हो गया। अब फिर से यहाँ पर गन सेक्शन पे क्लिक करना है और कैमरा वाले बटन पे क्लिक करना है। अरे हाँ भाई, पूरी स्क्रीन ब्लर हो गई। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक काम करो, पहले वीडियो का जो क्वालिटी है ना वो 1080p करके देखो, आपको समझ में आएगा कि हाँ स्क्रीन सच में ब्लर हो चुकी है। अब देखो मैं आपको नॉर्मल करके दिखाता हूँ, वेपन सेक्शन पे क्लिक किया, ये नॉर्मल हो गई स्क्रीन यहाँ पर। तो ये वाली मिथ कंफर्म्ड है गाइस। ओके गाइज, अपना नेक्स्ट मिथ है कि आप स्टिकी मैन बनके 7000 वाली बाइक को ड्राइव कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टिकी मैन बनते हैं, उसके लिए काफी सारे स्टिकी बॉम्ब हमें रोड के ऊपर लगाने पड़ेंगे। अब इस स्टिकी बॉम्ब के ऊपर हमें चढ़ जाना है, काफी सारे लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर दो कोड डायल करने हैं, तो सबसे पहले हमें 9129 जिससे इनफिनिटी हेल्थ हो जाएगी, और अब स्काई फॉल करना है तो जल्दी से 1120 डायल करते हैं। चलो फाइनली स्टिकी मैन बन चुके हैं, अब जल्दी से यहाँ पर बुलाते हैं 7000 वाली बाइक को जो कि ये हायाबुसा। अब इसके ऊपर बैठते हैं भाई, देखते हैं ये वाली जो बाइक हम ड्राइव कर पाते हैं या फिर नहीं। अबे अबे, अरे भाई साहब ये तो जमीन में घुस गई। एक सेकेंड, चला ले थोड़ी सी। भाई साहब ये पहली ऐसी बाइक है जिसे हम स्टिकी मैन बन के भी चला सकते हैं, बट ये टर्न काफी मुश्किल से ले रही है। बट जो भी होगा ये वाली मिथ कन्फर्म्ड है। ओके, अपना अगला मिथ है कि मोबाइल और वेपन में जाके पिस्टल के बटन को एकदम फास्ट क्लिक करें तो मैजिक होगा। चलो भाई देखते हैं। तो सबसे पहले गन सेक्शन ओपन करना है, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं पिस्टल को और मोबाइल को एक साथ ओपन करते हैं। अरे भाई साहब, पिस्टल और मोबाइल एक साथ आ गए। अरे यार ये वापस से फिक्स हो गया, चलो वापस करते हैं। एक सेकंड, वेपन पे पिस्टल पे क्लिक किया और मोबाइल एक साथ दबाया। भाई साहब ये देखो गाइज, पिस्टल भी हाथ में है और मोबाइल भी हाथ में है। भाई साहब FPP में आप इजीली देख सकते हो, तो ये काफी खतरनाक ग्लिच है, ट्राई जरूर करना, मिथ कन्फर्म्ड हो जाता है। ओके, अपना नेक्स्ट मिथ है कि KTM में कलर नहीं कर सकते। तो जो KTM का कोड है वो है 1210। तो जल्दी से इसको बुलाते हैं। तो चलो यहाँ पर KTM आ चुके हैं, अब जल्दी से मोबाइल ओपन करके देखते हैं भाई इसके ऊपर हम RGB या फिर कोई भी और कलर कर पाते हैं या फिर नहीं। तो गैलरी में चलते। अरे हाँ, मैं बाइक के एकदम चिपका हुआ हूँ लेकिन कोई भी कलर ऑप्शन नहीं आ रहा। भाई बाइक को गिरा भी दिया मैंने तो नहीं गाइज, वाकई में यहाँ पर कोई भी जो है कलर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये वाली मिथ भी कन्फर्म्ड है। ओके गाइज, अपना नेक्स्ट मिथ है कि कैरेक्टर की जॉयस्टिक को आगे करके होम बटन दबाओ, बैक वाला नहीं दबाना है।
तो उम्मीद के अकॉर्डिंग मैंने कैरेक्टर की जोस्टिक को आगे कर दिया और होम बटन दबाते तो होम स्क्रीन पर हम आ चुके। अब जल्दी से मिनिमाइज से वापस गेम में चलते। अरे भाई ये कैरेक्टर तो अपने आप चल रहा है, मैं नहीं चला रहा भाई, जोस्टिक अपने आप काम कर रही है, मतलब अटक चुकी है एक ही जगह पर। तो ये वाला मिथ हो जाता है गाइस, कन्फर्म्ड। ओके अपना नेक्स्ट मिथ है कि हमारा प्लेयर फोन के नीचे वाले 3 बटन पे और कॉल कटिंग वाले बटन पे क्लिक नहीं करता है, मतलब कि अपनी फिंगर मूवमेंट नहीं देता है। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल को ऑन करते हैं और देखते हैं भाई, यहाँ पर पहले एफपीपी में स्विच करना पड़ेगा ताकि इजीली देख पाए। अरे ये तो एक ही जगह पे टच कर रहा है, बस कोई भी बटन ऑन कर रहा हूँ ये एक ही जगह पे टच कर रहा है, ना बैक बटन दबा रहा है ना कॉलिंग बटन दबा रहा है, कुछ नहीं। तो इस हिसाब से ये वाली भी मिथ कन्फर्म्ड है। अपना नेक्स्ट मिथ है अगर हम 0800 डायल करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 800 डायल करना पड़ेगा। 800 से आई थिंक कोई कार आती है, कौन सी कार आती है चेकआउट कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ओके यहाँ पर एक बुगाटी आ चुकी है। अब किसी भी कार के कोड के आगे अगर हम 0 लगाएंगे तो मॉन्स्टर कार बन जाती है। तो चलो यहाँ पर 0800 डायल करके देखते हैं मॉन्स्टर बुगाटी आती है फिर नहीं। भाई कोई भी गाड़ी नहीं आई है, तो इस हिसाब से ये वाला मिथ भी कन्फर्म्ड है। ओके अपना अगला मिथ है कि अगर हम घर से नाइट मोड करके रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहां से गैस टैंक गायब हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो गैस टैंक आपको दिख रहे रेड एंड व्हाइट कलर के, ये ओनली आपको फन ट्रैक मोड के अंदर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर भाई का कहना सच है तो चलो एक बार घर पे चक्कर लगा के आते हैं और नाइट मोड करके आते हैं, देखते भाई ये वाले ड्रम जो है गायब होते हैं या फिर नहीं। तो अभी गाइस मैं ट्रेवल करके घर में आ चुका हूँ, अब जल्दी से नाइट मोड लगा लेते हैं और फिर वापस से चलते हैं रेलवे स्टेशन पर, देखते हैं गैस टैंक गायब हुए या फिर नहीं। तो गाइस मैं घर का चक्कर लगा के आ चुका हूँ वापस, लेकिन गैस टैंक यहाँ से गायब नहीं हुए, तो इस हिसाब से ये वाला मिथ बस्टेड है। अपना नेक्स्ट मिथ है अगर आप किसी व्हीकल को ब्लास्ट कर देते हैं और कलर चेंज ऑप्शन पे जाके वेट करेंगे जब तक कि गायब ना हो जाए कार, उसके बाद होगा मैजिक। तो मिथ के लिए मैंने यहाँ पर लैम्बोर्गिनी को बुलाया था और इसको मैंने ब्लास्ट भी कर दिया है। अब इसके पास चलते हैं और जल्दी से कलर ऑप्शन निकालते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि कार के गायब होने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पर अभी कलर ऑप्शन तो आ रहा है, काम करता हूँ RGB करके देख लेता हूँ इसके ऊपर। तो RGB तो हो रही है बट ये मैजिक नहीं, मैजिक तो इसके गायब होने के बाद होगा। तो जल्दी से वेट करते हैं थोड़ा। और गाइस ये यहाँ पर लैम्बोर्गिनी गायब हो चुकी है बट अभी भी यहाँ पर फोन के अंदर RGB वाला ऑप्शन अवेलेबल है भाई, अभी भी नहीं हटा भाई ये तो। ये लगता है मुझे ग्लिच हो चुका है। एक काम करते हैं, अगर बैक बटन दबा के वापस आए तो हटेगा क्या? नहीं हटा गाइज। और अगर मैं फोन को बंद करके वापस से ऑन करके देखूं तो हटेगा क्या? नहीं हट रहा है। तो गाइज इस हिसाब से ये वाला मिथ भी कन्फर्म्ड है। अपना नेक्स्ट मिथ है कि सबसे पहले आपको कोई भी बाइक लेनी है, उसको जॉयस्टिक से एक टायर पे चलानी है और थोड़ी दूर जो जाली है उससे टकरा देना है, फिर होगा मैजिक। तो गाइस घर के सामने तो सिर्फ एक ही जाली है जो कि एयरपोर्ट वाली जाली। अब देखते हैं इसको टकराने के बाद क्या होता है। इससे टकराने के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ यार, और इसको मैंने एकदम एक्यूरेटली किया और कई बार ट्राई भी किया था लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो ये वाली मिथ हो जाती है। अपना अगला मिथ है कि गोलियां चलाते चलाते किसी भी गाड़ी के अंदर बैठ जाओगे और उसके बाद वापस उतरोगे तो गोलियां अपने आप चलने लग जाएगी। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, जल्दी से ट्राई करते हैं। तो वेपन में यहाँ पर मैं पिस्टल सिलेक्ट कर लिया है, अब इसको चलाते चलाते गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तो देख सकते हो गाइस मैंने अभी तक फिंगर मूव नहीं करी और एंटर बटन भी दबा दिया है। चलो गाड़ी के अंदर तो बैठ गए, अब जल्दी से उतर के वापस से चेकआउट करते हैं कि पिस्टल बंदा अपने आप चलाता है या फिर नहीं। नहीं यार अपने आप तो नहीं चला रहा है वैसे, एक सेकंड वापस ट्राई कर। अरे भाई मैंने एम बटन नहीं दबाया था, अब चला रहा है, देखो अपने आप चला रहा है। गाइज मैंने फायर बटन पे क्लिक नहीं करा है, ऑटोमेटिक गन चल रही है, देख सकते हो आप। जैसे मैं स्कोप ओपन कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक चल रही है। तो ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म। ओके गाइज अपना नेक्स्ट मिथ है कि गाड़ी को सबसे पहले फुल स्पीड में लेके जाओ, उसके बाद लेफ्ट व राइट करके हैंड ब्रेक को दबाओ, आपकी गाड़ी मस्त सी ड्रिफ्ट मारेगी। तो यार मैंने खाली जगह बहुत मुश्किल से ढूंढी और गाड़ी को काफी स्पीड में भी लेके आ चुका हूँ। अब जल्दी से लेफ्ट और राइट घुमा के हैंड ब्रेक दबाते हैं। ओ भाई साहब टर्न लेके वापस गाड़ी चलने भी लग गई है। तो यार ये काफी सही मिथ है, मतलब कि काफी सही ट्रिक है। तो इस हिसाब से ये वाली मिथ कन्फर्म्ड है गाइस। ओके अपना नेक्स्ट मिथ है कि मून ग्रेविटी लगाकर कोई भी बाइक लेकर लैम्बोर्गिनी के बोनेट पे हिट करोगे फिर होगा मैजिक। अब गाइस सामने मैंने लैम्बोर्गिनी को लगा दिया, अब जल्दी से यहाँ पर मून ग्रेविटी लगाते हैं 722 डायल करके। अब जल्दी से बाइक के ऊपर बैठ कर बोनेट पे टच करते हैं या फिर हिट करते हैं जोरदार, फिर देखते हैं भाई क्या होता है। वैसे मून ग्रेविटी में बाइक को चलाना काफी ज्यादा मुश्किल है और बस ये हम हिट करने वाले हैं लैम्बोर्गिनी के ऊपर। भाई टायर पूरा ऊपर हो गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है टच करने पर भी। एक बार वापस करते हैं, इस बार टायर ऊपर नहीं करेंगे, एकदम आराम से हिट करेंगे। और नहीं भाई कुछ भी नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल सी चीज है मून ग्रेविटी लगाइए। तो ये वाली मिथ गाइस बस्टर्ड है।
अपना नेक्स्ट मिथक है गोस्ट राइडर बाइक को स्पॉन करके नाइट मोड लगाओगे और लाइट ऑन करोगे तो आप देखोगे गोस्ट राइडर के सामने कोई लाइट ही नहीं है। तो सबसे पहले नाइट मोड ऑन कर लेते हैं 9 डायल करके। अब जल्दी से यहाँ पर 5555 डायल करके गोस्ट राइडर बाइक को बुला लेते हैं और इसकी लाइट को ऑन करते हैं जल्दी से बैठ के, और देखते हैं इसके सामने कोई लाइट जल रही है या फिर नहीं। अरे हाँ, इसके सामने कोई भी लाइट नहीं है, फिर भी रोशनी आ रही है। टायर में से निकल रही है क्या लाइट? पता नहीं गाइस कैसे आ रही है, बट यहाँ पर रोशनी हो रही है और लाइट नहीं है इसके आगे, तो ये वाला मिथ हो जाता है कन्फर्म्ड। ओके, अपना नेक्स्ट मिथ है कि कार में बैठना और स्काईफॉल बटन एक साथ दबाएंगे तो मैजिक होगा। तो 500 डायल करके मैंने एक नॉर्मल सी कार को बुला लिया है। अब जल्दी से यहाँ पर स्काईफॉल का चीट कोड भी डालते हैं और कॉल और एंटर बटन एक साथ दबाएंगे, देखते हैं भाई क्या होता है। और ये अपना स्काईफॉल विद यहाँ पर एंटर बटन के साथ स्काईफॉल हो रहा है, बट कुछ होने वाला है या फिर नहीं ये देखना है मुझे। प्लीज कुछ ग्लिच हो जा, प्लीज प्लीज प्लीज। वाह भाई क्या ग्लिच है भाई, ये वाला मिथ बस्टेड है, कैरेक्टर ही मर गया अपना। तो अपना नेक्स्ट मिथ है कि हमारे बाल में एक लाइन होती है। लाइन कैसी भाई, देखना पड़ेगा। तो अपने कैरेक्टर के बाल में कैसी, अच्छा यहाँ पर हेयर कटिंग वाली जो दो लाइन्स है ना वो यहाँ पर है और लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में है, तो भाई का कहना एकदम सही है, ये वाली मिथ कन्फर्म्ड है। अपना लास्ट मिथ है कि अगर हम 777777 को डायल करेंगे यानी कि 5 बार 7 को दबाएंगे तो एक आर्मी हेलीकॉप्टर आएगा, ऐसा भी होता है क्या? तो जल्दी से डायल करते हैं 777777, 5 बार डायल कर दिया है, देखते हैं आर्मी हेलीकॉप्टर। नहीं भाई कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं आया है, वापस से डायल करके देखते हैं। मुझे गाइस ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट अपडेट में ऐड होने वाला है आर्मी हेलीकॉप्टर, अभी तो नहीं आने वाला। तो कोई भी आर्मी हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा, ये वाला मिथ बस्टेड है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना, अगर आपको ये वाली टॉप 20 मिथ पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye and love you all.